नमस्ते दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सक्सेसफुल स्टोरी। उनको कैंसर हो गया था और कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से उसको दूर किया और क्या क्या चीज़ें उन्होंने फॉलो की। तो इसमें आप अपनी बीमारी रख सकते हैं और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो जो है वो मैंने डाला हुआ है, आप चाहें तो उसका लिंक जा करके चेक करेंगे तो उसके टिप्स और इनकी बातें मिक्स करके आप अपनी हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी तरीके की बीमारी है तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं, इन्होंने मुझे पूरा मेल लिखा है और इन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि प्लीज़ मेरा नाम जो है वो मेंशन नहीं करना, तो मैं इनका नाम आपको नहीं बता सकती हूँ। तो चलिए मैं मेल पढ़ के बताती हूँ कि कैसी रही इनकी स्टोरी। यस, तो ये लिखते हैं शांभवी, हाय, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, थैंक यू। ओके, मुझे आज भी याद है 6 दिसंबर को मेकअप रूम हम दोनों ने जब शेयर किया था और जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। ओके, तो हमने जब एक सीन शूट कर लिया उसके बाद तुम्हारा इतना फ्रेंडली बिहेवियर देखने के बाद पता नहीं क्या हुआ, बातों बातों में मैंने तुमसे कहा कि तुम जानती हो मुझे कैंसर है, 1 साल पहले ही डिटेक्ट हुआ है और उस 1 साल के बीच में मेरी एक कीमोथेरेपी हो चुकी थी जिसे करीब 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे और मेरे बाल बहुत लंबे नहीं थे। कीमो की वजह से मेरे पूरे बाल झड़ गए थे और उसके बाद धीरे धीरे वो लंबे हो रहे थे और मैंने डॉक्टर से कह दिया था कि मैं मर जाऊंगी बट मैं नेक्स्ट कीमो कभी नहीं लूंगी। उसके करीब 5 महीने बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई मेकअप रूम में, जब मैंने तुमसे शेयर किया कि मुझे कैंसर है तो तुमने कहा ओ अच्छा, यस मैंने उन्हें ओ अच्छा कहा था, तुमने ये नहीं कहा ओ सो सैड, ये तो बहुत बुरी बात है, तुमने कहा ओ अच्छा। आज भी मुझे वो टच कर गई बात। फिर तुमने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि वो बीमारी आपको है ही नहीं तो मैंने कहा ऐसी बातें सिर्फ सुनने और बोलने में ही अच्छी लगती हैं, रियल में ये सब कुछ नहीं होता। तो तुमने कहा करके देखने में क्या हर्ज है। तो मुझे 2 दिन तक तो ये लगा कि ये लड़की ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन 3रे दिन मेरी बेटी ने कहा, एक बार ट्राई कर सकती हो, ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है। पॉजिटिविटी के बारे में मैंने सुना है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और उस दिन से मैंने ये सोचना बंद कर दिया। हालांकि शुरू शुरू के 2 महीने तक जब जब मैं डॉक्टर के पास जाती रही, मैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू लेती रही, आज भी मेरे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, तो जब जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती रही तब तक मुझे याद आता रहा कि मुझे कैंसर है। बट उसके साथ साथ मुझे तुम्हारी बात भी हमेशा याद रही कि वो बीमारी मुझे नहीं है। तो धीरे धीरे मैंने ये सोचना शुरू कर दिया मैं किसी रेगुलर चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ, ये एक रेगुलर चेकअप्स हैं। तो बस धीरे धीरे सब अच्छा लगना शुरू हो गया और एक टाइम के बाद मैं भूलने लगी कि मुझे कैंसर है और जो डॉक्टर्स मुझे बोलते थे कि कीमो लेना ही पड़ेगा वो अब नहीं बोलते थे। वो बोलते थे तो मैं उनकी बात को कहती थी कि ठीक है और बस वहाँ से चली जाती थी और मैं भूल जाती थी कि मुझे कैंसर है। ये भूलने में मुझे बहुत समय लगा कि मुझे कैंसर है, लेकिन तुम्हारी बात को याद करने में मुझे समय नहीं लगा कि मुझे कैंसर नहीं है। अब मेरा यूट्रस जो है उसे रिमूव कर दिया गया है। इस प्रोसेस को करने में मुझे पूरे 6 साल लगे, ये 1 दिन 2 दिन या 6 महीने में नहीं हुआ, 6 साल। अभी 6 महीने पहले ही मेरा यूट्रस रिमूव हुआ है।
और अब डॉक्टर ने कहा है अब कोई कैंसर नहीं है, और उसके बाद मैंने कभी कीमोथेरेपी नहीं ली। सिर्फ एक बार के बाद जब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे कैंसर नहीं है, धीरे धीरे पता नहीं चीज़ें ऐसे बदलती चली गईं, मेरी बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रीटमेंट्स मैं साथ के साथ लेती रही। ट्रीटमेंट्स तो मेरे आज भी चलते हैं, लेकिन मुझे कोई कैंसर नहीं है, और जिस कीमो से मैं सबसे ज़्यादा डरती थी वो कीमो भी मुझे नहीं लेना पड़ा। थैंक यू तुम्हारे मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू तुम मेरी जान हो। और जानती हो, अभी 3 महीने पहले ही मेरे ब्रेस्ट में थोड़ा दर्द हुआ, तो मैं डर गई कि क्योंकि कैंसर जानती हो ना कैसी कैसी चीज़ है। और फिर उसके बाद ब्रेस्ट का जब मैंने चेकअप करवाया तो यही सोच करके गई थी कि ऐसे भी कोई नॉर्मल दर्द हो सकता है। जस्ट ब्रेस्ट का चेकअप करवाने के लिए गई और वहाँ कुछ भी नहीं निकला। बोलो तुम्हें कैसे धन्यवाद ना करूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नीचे बहुत प्यारी सी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, लिखा है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड यस, बस मैंने उनको इतना ही कहा था कि आपको कुछ नहीं है, एक बार सोचिए। सोचा उन्होंने, और इस बीच में उनके फ़ोन आते थे मुझे, जैसे मैं उनको बोलती थी कि आप अपनी एनर्जी को बदलने की कोशिश कीजिए, आप अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए, तो उन्होंने किया। अगर वो जीत सकती हैं इतनी बड़ी बीमारी से तो आप क्यों नहीं। मैं इमोशनल हो गई एक्चुअली उसको पढ़ के, बट ठीक है, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू, आई लव यू ऑल, बाय।